आवर स्टमक, हमारे पेट में एचसीएल गैस कैसे बनता है, आज हम लोग इसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं कि हमारे पेट में जो एचसीएल गैस बन रहा है कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे पेट में एचसीएल गैस कैसे बन रहा है। तो सबसे नंबर एक पे क्या है, जब हम कभी भी फूड मटेरियल लेते हैं, जब भोजन लेते हैं, तो माउथ के थ्रू कहाँ पे जाता है भोजन हमारे, ये हमारा भोजन है माउथ है, माउथ के थ्रू भोजन हमारे कहाँ पे जाता है, उस फैगस में ग्रास नली में आता है भोजन, ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ पे जाता है, हमारे पेट में आता है, स्टमक में आएगा। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे हमारे स्टमक का एक पार्ट होता है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स से क्या सिक्रीशन होता है, एचसीएल गैस का सिक्रीशन होता है, जो हमारे भोजन मटेरियल को डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक से क्या निकल रहा है पैराइटल, स्टमक में क्या पाया जाता है पैराइटल सेल्स पाया जाता है, पैराइटल सेल्स से एचसीएल का गैस का क्या होता है सिक्रीशन होता है, जिसका काम है डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, जो भोजन पदार्थ को क्या करना है डाइजेस्ट कर देता है, जिसका पीएच 2 से 3 होता है, बहुत खतरनाक पीएच होता है। ये आप एचसीएल यहाँ पे देख सकते हैं, ये एचसीएल है जिसका पीएच कितना होता है 2 से 3, पीएच 2 से 3 होता है। अगर ये बॉडी को थोड़ा सा भी पड़ जाएगा तो बॉडी को क्या कर देता है जला देता है, लेकिन ये क्या होता है हमारी बॉडी में बनता है, लेकिन हमारी बॉडी का स्टमक जलता नहीं है फिर भी, क्योंकि एक इसके लेयर में रहता है जिससे कि वहाँ का पीएच उसको मेंटेन किया रहता है। ठीक, तो हमारा मेन टारगेट है कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल गैस, एचसीएल गैस कैसे बन रहा है आइए देखते हैं। तो सबसे नंबर एक पे दिखा रहा है कि आपका इधर क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ढेर सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वो सब कुछ इसी में पाया जाता है ब्लड वेसल्स में। तो हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट दिखा रहा है कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ये तीनों गैसें क्या है हमारे ब्लड वेसल्स में पाई जा रही है। और इधर आपका दिखा रहा है बगल में पैराइटल सेल्स, क्या दिखा रहा है पैराइटल सेल्स। अब कह रहे कि पैराइटल सेल्स में पहले नंबर एक पे क्या होता है, जिससे हम कोई दवा लेते हैं तो दवा क्या होता है हमारे माउथ में जाता है, माउथ से कहाँ पे जाता है एसोफेगस के थ्रू स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद कहाँ पे जाता है पोर्टल वेन में जाता है, पोर्टल वेन में क्या होने के बाद वहाँ पे स्टमक में टूट टाइप के कहाँ पे जाता है दवा हमारे पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से लीवर में जाता है, लीवर से क्या होता है मेटाबोलाइट होके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, वहाँ पे ड्रग क्या होता है एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है, फिर अपना एक्शन शो करता है। तो उसी तरह क्या होता है कि जब ये हमारे पैराइटल सेल्स में क्या पाया जाता है रिसेप्टर पाया जाता है, रिसेप्टर में क्या होता है ये आपका रिसेप्टर दिख रहा है, रिसेप्टर से क्या होता है हिस्टामिन, फर्स्ट स्टेप यही हिस्टामिन का स्टार्ट, हिस्टामिन क्या होता है H2 रिसेप्टर से, पैराइटल सेल्स के H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन जब बाइंड होता है तो क्या होता है, इसमें कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स एको प्रोटीन चैनल के थ्रू कहाँ पे जाता है हमारे पैराइटल सेल्स में जाता है, फिर क्या होता है उसी में क्या होता है हमारे ब्लड वेसल्स में क्या पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वैसोइलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन, ये क्या दिख रहा है इसका वैसोइलेक्ट्रिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हमारे किस में आ रहा है पैराइटल सेल्स में आ रहा है। अब हमारे पैराइटल सेल्स में दो चीज आ चुका है, एक कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा वाटर, अब कार्बन डाइऑक्साइड दोनों और वाटर आपस में रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, तो बनाएंगे क्या H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अब ये एसिड बनाएगा तो एसिड हमारे क्या होता है दो पार्ट में टूटेगा, एक H+ में टूटेगा, दूसरा किस में टूटेगा HCO3- में टूटेगा। अब क्या होता है इसके बाद इधर हमारे पैराइटल सेल्स के जस्ट बगल में स्टमक का ही पार्ट है ल्यूमेन ऑफ स्टमक, जिसको बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ स्टमक में हमारा क्या होता है कि यहां पे PPI प्रोटॉन पंप न्यूटन एटीपेज एंजाइम के थ्रू क्या होता है हमारा एक H+ इसमें अगर ल्यूमेन ऑफ स्टमक में आएगा और यहां से एक पोटेशियम आयन एक K+ क्या होता है हमारे पैराइटल सेल्स में आता है। तो इसी पंप के थ्रू एक क्या होता है पंप आयन, मतलब एक पंप के थ्रू एक H+ उसमें ल्यूमेन ऑफ स्टमक में जाएगा और एक पोटेशियम आयन किसमें आता है पैराइटल सेल्स में आता है। तो उसके बाद अगर हमारा H+ कहां पे आ गया ल्यूमेन ऑफ स्टमक में आ गया है, अब उसके बाद क्या होता है ये हमारा जो HCO3- है ये कहां पे जाता है बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंज के थ्रू, हमारा क्या होता है क्लोराइड इसमें से इस ब्लड वेसल्स में से पैराइटल सेल्स में आ जाता है, पैराइटल सेल्स को एक पैराइटल सेल्स में आने पर ये क्या करता है एपिकल सेल्स को क्रॉस करके हमारे ल्यूमेन ऑफ स्टमक में आ जाता है, और ये हमारे क्या है HCO3 का होता है ये बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल के थ्रू कहां पे जाता है हमारा इस
किसमें आ जाता है, ब्लड वेसल्स में। ठीक, अब यहां से हमारा क्या हो गया कि ये क्लोराइड आयन यहां पर आया हमारा ल्यूमेन ऑफ स्टमक में। अब यहां पे हमको दो चीज मिल गया, एक क्लोराइड आयन, दूसरा एच प्लस मिल गया। अब एच प्लस और सीएल माइनस आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, या सीएल गैस बना देगा। और यही क्या होता है, जब यह सीएल गैस बन जाता है तो क्या करता है, एसिडिटी काज करता है। जो पर डे हमारी बॉडी में 2.5 लीटर पर डे बनता है, पर डे 2.5 लीटर हमारी बॉडी में एसिडिटी गैस बनता है, जो क्या होता है, नोट, वी यूज द एंटासिड्स गैस की गोली खाते हैं, मेप्राजोल ढेर सारी। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर साहब आपको गैस की गोली देते हैं कि भैया आप खाना खाते हैं तो गैस, मतलब जो खाना खाने के बाद भोजन पाचन नहीं हो पा रहा है तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, गैस की गोली, जो एसिडिटी को क्या करती है, कम करती है। तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि ये जो एचसीएल गैस होता है उसकी एसिडिटी को हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल गैस इन आवर स्टमक। ओके, बहुत सिंपल सा था कि एक मैकेनिज्म है, थोड़ा सा छोटा सा यही है कि हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल गैस इन आवर स्टमक। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।